तो शिक्षक आपके जीवन की एक अहम भूमिका निभाता है, ये बात हम सुनते आए हैं। शिक्षक का रोल आपके बचपन से शुरू हो जाता है, आपकी माँ जो है वो भी एक शिक्षक के रूप में होती है ना। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि माँ बाप ही समझाते हैं हमें, तो वो भी टीचर ही होते हैं आपकी ज़िंदगी के। और एक अच्छा मित्र जिसके साथ आप खेलते हैं, बचपन से ही खेलना शुरू हो जाता है, कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो एक अच्छा मित्र भी आपका टीचर होता है, ये भी सत्य बात है। यदि आपके जीवन में एक अच्छा मित्र है तो वो भी आपको एक अच्छा शिक्षक का भूमिका अदा कर सकता है। देखो तो टीचर कई प्रकार के होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बहुत सारे टीचरों से रूबरू होते आए हैं, लेकिन कुछ ही टीचर जहन में रहते हैं, है ना। कारण क्या होता है, एक टीचर ऐसा होता है जो हमको सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान, है ना, महज हमें बौद्धिक रूप से वो हमें क्या करता रहता है, इम्प्रूव करता रहता है, हमारे अंदर बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। लेकिन एक टीचर ऐसा भी होता है जो बौद्धिक परिवर्तन तो करता ही है, लेकिन साथ साथ आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से भी आपको निरंतर प्रतिदिन उसको भी ख़त्म करता चला जाता है। होता क्या है, देखो कोई टीचर ऐसा नहीं है कि आपके जीवन की समस्याओं को ख़त्म कर देगा, कुछ कर देगा, लेकिन उसके मार्गदर्शन में आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उन समस्याओं से लड़ सकते हैं, है ना। आए दिन क्या होता है, आए दिन आपको निराशा हाथ लगती है या फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है, सही मार्गदर्शन का अभाव। कभी जीवन में सही मार्गदर्शन मिल ही नहीं पाया और उस कारण से भी हम क्या होते हैं, यत्र तत्र भटकते रहते हैं। सब कुछ हमारे अंदर होते हुए भी जीवन में भटकाव सा बना रहता है, उन सभी को समाप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, एक अच्छा शिक्षक। आपके घर में भी हो सकता है, यदि घर में नहीं होता तो फिर हमें समाज में और बाहर से मिलता है। बिना शिक्षक के, ये वास्तव में एक जीवन में मेंटर होना चाहिए, बिना मेंटर के आपका लाइफ शायद दुर्लभ हो जाए, बहुत कठिन हो जाए। और यहाँ तक भी हो सकता है कि अपने शिक्षक हम खुद भी बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, ये खुद से भी आ सकता है, खुद से भी कर सकते हैं। तो बहुत आम परिभाषा शिक्षक की यदि कही जाए तो शिक्षक वो है जो आपको इंस्पायर करे, समझ रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन हो, आपका एक रोल मॉडल बन जाए, वो एक शिक्षक होता है। लोग बहुत सारे आदर्शों को शिक्षक बना लेते हैं, बहुत सारे आदर्श हैं अपने जीवन में, है ना, कोई विवेकानंद को बनाकर बैठता है, कोई डॉक्टर कलाम को बनाकर बैठता है, ठीक है, या फिर कोई, आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है ना, आज ये जन्मदिवस होता है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, है ना, उनका आज जन्मदिवस है, उन्होंने कभी अपना जन्मदिवस मनाया ही नहीं, उन्होंने कहा जन्मदिवस मेरा नहीं मनाया जाएगा, शिक्षकों का मनाया जाएगा, टीचर्स का मनाया जाएगा, है ना। आज के समय में हमारे समाज में शिक्षक का महत्व कम होता जा रहा है, कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता, जो शिक्षक बन भी रहे हैं, TET क्वालिफाई कर पा रहे हैं, CET क्वालिफाई कर रहे हैं, वो सिर्फ महज एक जॉब के लिए कि मुझे जॉब मिल जाए। अरे एक बच्चा जो ग्रेजुएट हो चुका है, वो बाद में उसके मन में कोई मनसा नहीं होती कि 0 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाकर प्राथमिक विद्यालयों में, उसको यह है कि महज मेरी आमदनी बन जाएगी 30,000, 40,000, 50,000 रुपये। और यदि आप कभी जाएं देखें प्राथमिक विद्यालयों की क्या हालत है, क्या खस्ता हालत है, वहाँ पर कोई टीचर जाता भी नहीं है, जाता है तो महज अटेंडेंस लगा के चला आता है, समझ रहे हैं। तो आज के समय में टीचर जो है ना कहीं पे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। बड़े बड़े जब आप क्लासेस में पहुंचते हो ना, 10th है, 12th है, वहाँ पर क्या होता है, ट्यूशन सिस्टम चालू हो जाता है, सरकार से पैसा तो लेता ही लेकिन साथ साथ ट्यूशन देना शुरू कर देता है उसका अतिरिक्त। तो कहीं ना कहीं पे जो भावात्मक लगाव शिक्षक और स्टूडेंट के बीच होना चाहिए वो आज के समय में ख़त्म हो चुका है, सब व्यवसाय बना हुआ है, एक तरफ से एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है शिक्षा का। और कहीं पर भी आपके बौद्धिक विकास की बात तो शिक्षक करता ही नहीं, वो नहीं चाहता कि इसका बौद्धिक विकास हो जाए, यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर आप ये देखेंगे शिक्षक ही बाधक बन के खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वास्तव में शिक्षक का ये तो रोल है नहीं, ये तो शिक्षक का महत्व है नहीं, है ना। रही बात, मैं भी अब देखो मेरी उम्र बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं शिक्षक के तौर पर हूँ आज के टाइम पर, ज़्यादा नहीं 5 साल का एक अनुभव है। लेकिन एक चीज़ मैं अपने आप को जब कभी देखता हूँ, बैकलाइट पे जाता हूँ अपने जीवन को देखने, तो मैं पाता हूँ कि मेरे अंदर शिक्षक के गुण बहुत पहले से पैदा हो गए थे। जब मैं 8वीं क्लास में हुआ करता था तो मैं 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था, शायद किसी ने देखा हो, एक दिन यहाँ पे एक आए थे ना पीला वस्त्र धारण किए हुए, भगवा रंग धारण किए हुए, वो बहुत पहले की बात है,
वो जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ वहाँ पर गायत्री परिवार, नाम सुना होगा, शांति कुंज गायत्री परिवार करके हैं। उस मिशन में बस ऐसा था कि देखो क्या होता है ना, जब आप किसी धर्म, क्या है, जीवन जीने का एक तरीका होता है, आप अपने तरीके से जीवन जीते हैं, तो जिस धर्म में आप पैदा होते हैं उस धर्म में आपको जीवन जीने का एक तरीका बताया जाता है कि ऐसी आपकी जीवन पद्धति होनी चाहिए, प्रतिदिन की दिनचर्या होनी चाहिए, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए जीवन में। तो बचपन से ही वो माहौल मिला घर पे और मैं भी जाने लगा पढ़ाने, क्या, मंदिर जाने लगा। ठीक है, वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था फ्री एजुकेशन का प्रोग्राम आमतौर पर चलाते हैं मिशंस वगैरह, और वहीं से मैं जुड़ा। मैं कक्षा 8वीं से पढ़ा रहा हूँ और फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाता था, कोई पैसा कभी चार्ज मैंने लाइफ में लिया नहीं, और लगातार ये चलता रहा सिलसिला। 8वीं पढ़ाया, 9वीं पढ़ाया, 10वीं पढ़ाया, 11वीं पढ़ाया, 12वीं पढ़ाया, आज वहाँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उस पर मैं भी इनिशिएट कर रहा हूँ। आज मेरे जैसे वहाँ पर कई लोग पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ पर दिल्ली पर आया तो एक दो साल तो सिलसिला टूट गया, अपनी पढ़ाई पर लग गए, लेकिन कालांतर में फिर से चालू हो गया। क्या एक गुड़ था अंदर से, ही वो बीज लगा हुआ था कि पढ़ाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं 18-18, 20-20 घंटे पढ़ा सकता हूँ, और जो मेरे साथ वाले दोस्त हैं, मेरे सहयोगी, बहुत सारे लोग तो अधिकारी बन के चले गए, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वो भी जानते हैं कि मैं भी, मतलब जब हम लोग बैठते थे या साथ में रहते थे, रूम पार्टनर थे, कुछ भी थे, तो उस दौरान भी मैं उन्हें पढ़ाता था। उस दौरान भी क्लास में पढ़ के आने के बाद ये रहता था कि चलो आज पढ़ाता हूँ। तो हम लोग एक रूम पे ही छोटा सा माहौल बनाते थे, और मैं कभी आपको पिक्चर शेयर करूँगा अपनी। हम लोग ठंडियों में बैठे हुए हैं, लाइट चली गई है, कैंडल जल रही है, बढ़िया पसीना टुप टप चेहरा है, लेकिन पढ़ रहे हैं। 4-5 लोगों का ग्रुप था, मुखर्जी नगर में जब रहते थे तो 4-5 लोगों का ग्रुप था, और वज़ीराबाद में लाइट चली जाती है, कुछ समय मैंने वज़ीराबाद में भी गुजारा है, लगभग 4-5 महीने का टाइम पीरियड। वज़ीराबाद, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, GTB नगर, हडसन लेन, सब जगह। जब DU में थे तो ये वाला GTB नगर वाला बेल्ट था, फिर जब यहाँ पर आए कोचिंग करने तो मुखर्जी नगर वाले बेल्ट में आए, फिर इसके बाद नेहरू विहार कुछ समय चले गए, वर्धमान प्लाजा में क्लासेस चलती थी। तो इस दौरान भी पढ़ाया, इस दौरान भी वो मित्र मेरे आज भी जानते हैं, हम लोग बाकायदा बैठते थे, ठंडियों का टाइम तो और मज़ा आता था, ठंडियों में ज़्यादा पढ़ते थे। और कभी एक मेरे मित्र आएंगे, बताएंगे, वो इस समय डिप्टी SP हैं MPPCS में, उनकी अभी से ट्रेनिंग चल रही है। तो हम लोग साथ में जब रहते थे तो मैं रात में भी लाइब्रेरी जाता था, दिन भर पढ़ के आते थे, 12 बजे तक पढ़ के वो लोग सो जाते थे, लेकिन मुझे ये लगता था कि चलते हैं लाइब्रेरी। रात की लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, 12 से 6 बजे तक की लाइब्रेरी रहती थी मेरी, 7 बजे से हमारा खुद का प्रोग्राम हुआ करता था, 7 बजे से पढ़ते थे रात को लगभग 10-11-12 बजे, बीच में ब्रेक लेते थे, ऐसा नहीं होता था, बीच में आधे घंटे का ब्रेक, पढ़ा फिर ब्रेक, फिर पढ़ा फिर ब्रेक, फिर पढ़ा फिर ब्रेक। तो रात में लाइब्रेरी वैसे सोना ही होता था, लाइब्रेरी में जाके कौन पढ़ेगा जो दिन भर पढ़ चुका हो। तो लाइब्रेरी में मुझे लगता था कि थोड़ा सा भी नींद खुलेगी तो वहाँ पे पढ़ने का ही माहौल होगा, तो चलो उसी में कुछ कर लिया जाएगा। तो उस दौरान मतलब इतनी, और सब रोकते थे कि यार क्या कर रहे हो, शरीर का भी ध्यान दो, इतना ज़्यादा पढ़ना हानिकारक है। लेकिन क्या होता है ना, जब जुनून होता है अंदर, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो उस दौरान कुछ नहीं दिखाता, पढ़ना और पढ़ाना, तो दिन भर रात भर बस यही काम रहता था अपने पास, पढ़ना दिन रात। ये लगता था कोई, जैसे मेरे पास कोई बुक आती थी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता था, उसको लिया ख़त्म किया, अपना एक ही रूल था, कभी मैंने बुक्स इकट्ठा नहीं की। आज तक जब से मैं दिल्ली में आया और कोचिंग करना और सब चीज़ें शुरू किया, तब से कोई भी तैयारी करने के समय यदि किताब ली है तो ख़त्म हुई है, अभी नहीं, कभी मैं साझा करूँगा बुक्स, अभी यहाँ पर नहीं मेरे पास अवेलेबल सारी बुक्स, मैं अभी नहीं, कभी दिखाऊँगा आपको बुक्स, एक एक पन्ने फट गए उनके, इतनी बार पढ़ लिया, 4-5 बार, 6 बार, और एक टॉपिक में एक नहीं, 3-4 किताबें, 3-4 बार उसी को पढ़ चुके, एक एक किताब को। पॉलिटी में तो मैंने 15 किताबें पढ़ी हैं, इतना रिसर्च। तो एक चीज़ यहाँ पे, जब मैं यहाँ शायद 2011 में मेरा कंप्लीट हो गया था 12th क्लास, 12th कंप्लीट होने के बाद बच्चे को ये होता है, घर वालों का विचार था कि IIT में जाए, और IIT की तैयारी भी की गई, सब कुछ की गई, लेकिन अपना विचार कभी नहीं था IIT में। कभी 6th क्लास की डायरी आपको साझा करूंगा, उस डायरी में आज भी लिखा है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तब तो समझ भी नहीं होती है। ठीक है, स्कूलिंग अच्छी जगह से हुई, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय कानपुर में है, UP का सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सब कुछ होता है, अब तो और बढ़िया हो गया,
ठीक है। तो उस विद्यालय में ही जब स्कूलिंग हुई तो उसी दौरान मन में ये था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं करना है। तो उस दौरान जो है ये बीच पनप चुका था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि मैंने अपने पड़ोस में देख चुका था, मेरे पास ही डॉक्टर जुबैर खान, यदि किसी ने नाम सुना हो, उनका वो IAS है इस समय लखनऊ सचिवालय में, ठीक है, डॉक्टर जुबैर खान से यही अभी तक दिल्ली में थे, अब तो चले गए, और जब उनका हुआ था उसके बाद से ये लगा था कि नहीं यही ठीक है, इसी जॉब पे निकलना है, और वही इंस्पिरेशन है। फिर घर पे माहौल भी था, घर से भी सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। फाइनली घर वालों का विचार था कि IIT में जाए, बच्चा बड़ा होशियार है, बड़ा वो है, लेकिन होता कुछ नहीं है। 1-2 साल तैयारी की गई, टाइम वेस्ट किया गया, कुछ नहीं होता उससे। फाइनली 2011 में ये हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, यहाँ पर तैयारी करते हैं, यहाँ पे पढ़ा गया, ग्रेजुएशन हुआ, लेकिन यहाँ पे कोचिंग नहीं की गई। देखो कोच का महत्व होता है आपकी लाइफ में, सिविल सर्विसेज में तो 110%, बिना कोच के आप नहीं कर सकते हो। उस समय मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई एक्सट्रीम लेवल की, यहाँ तक कि टाटा मैकग्रा-हिल के बड़े बड़े मैनुअल्स, ठीक है, यूनिक प्रकाशन का एक मोटा सा मैनुअल आता है। ये था कि जो कह देता था कि ये पढ़ना है वो पढ़ लिया जाता था। और उस समय DD बसु की बुक, DD बसु जबकि सबसे टफ टाइप की होती है, हिंदी मीडियम में उसकी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन DD बसु मैंने सबसे पहली किताब पॉलिटी में पढ़ी थी, जो बिल्कुल नहीं समझ में आई थी, क्योंकि अर्थ राज व्यवस्था से कोई समझ थी नहीं अपनी। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद फाइनली यही हुआ, 2014 में मेरे 21 साल और ग्रेजुएशन पूरा हो रहा था, तो ये था कि इस बार अटैम्प्ट देना है, कुछ भी हो जाए पहले ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है। ये दिमाग में होता है ना कि पहले ही प्रयास में कुछ भी हो जाए निकालना है। लेकिन अंतोगत्तो एक अच्छे मेंटोर मुझे मिले, कभी यदि होगा तो मैं उन्हें बुलाऊंगा, हेमंत झा का यदि नाम आप जानते हो, बहुत ही शानदार है, आप लोग परिचित होंगे हेमंत झा से, जो लोग जानते हैं हेमंत झा को, नहीं जानते, चलिए यदि कभी हुआ तो मैं बुलाऊंगा यहाँ पे, उनसे आग्रह मैंने 1-2 बार किया है लेकिन समय नहीं मिल रहा उनको। तो उनसे जब मुलाकात हुई उसके बाद लाइफ पूरी चेंज हो गई, तैयारी करने का एक नया तरीका मिला। इसके बाद मैंने छोड़ दिया कि भाई अटेम्प्ट देना भी है, जो चीज़ मैंने वर्कशॉप सेशन में आप लोगों को समझाता हूँ या बताता हूँ कि तैयारी और एग्ज़ाम तभी दिया जाता है जब फाइनली आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों, चाहे 2 साल लग जाए चाहे 3 साल लग जाए, लेट नहीं करते। और उसी साल सौभाग्य से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में फाइनली रिजल्ट आ गया, फाइनली सेलेक्टेड। लेकिन ये था कि अब इधर जाएँ कि इधर जाएँ, क्योंकि डायरेक्शन बहुत अच्छा मिल चुका है ना, बहुत जद्दोजहद के बाद यही डिसीजन लिया गया कि इधर नहीं जाना है, इस साइड को छोड़ देना है, अभी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, सिविल सर्विसेज अपना सर्वोच्च होना चाहिए। और मैंने उसे छोड़ा, 2 साल की तैयारी की, 2016 मैंने पहले अटैम्प्ट दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा 2016 जिसमें फाइनली इंटरव्यू दिया, मेंस में कुछ गड़बड़ी हो गई जिसके कारण से छूट गया। तो कहीं ना कहीं पर उनका बहुत बड़ा योगदान है, उस मेंटर का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझे बिल्कुल सही डायरेक्शन पे। इसके बाद 2016 PCS रिजल्ट पेंडिंग, 17 PCS रिजल्ट पेंडिंग, है ना, अब 18 में फिर 18 में या नहीं दिया, इस साल भी नहीं दिया, 18 या 19 फाइनली। तो कहीं ना कहीं पे आप यदि सही डायरेक्शन पे होते हो, सही दिशा पे होते हो, या फिर कोई एक ऐसा मेंटर होता है जो आपको समय समय पे बताता रहता है, अच्छा ये समस्या है इसका समाधान ये होगा, इंस्पिरेशन होती है, उसकी बातें आपको समझ में आती हैं। देखो शिक्षक चाहे जितना अनुभवी हो लेकिन उसको यदि पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आता तो आपके लिए किसी मतलब का नहीं है। टीचर वो है जिसकी बात आपको समझ में आए, जो आपके अंदर एक एक चीज़ को क्रम से संजोता चला जाए, वही टीचर होता है, बाकी सब बकवास है, बाकी तो सब नाम है और कुछ नहीं होता, ठीक है। और होता भी यही है हमारे साथ कि हमें क्लास में भी पूछा जाए कि सबसे इंटरेस्टिंग टीचर कौन है, क्या है, तो मेरे 1-2 ही हुआ करते थे, वैसे तो भीड़ है बहुत बड़ी, 1-2 मुझे समझ में आए, बाकी ऐसा लगा कि इनको ज्ञान तो बहुत है लेकिन उस ज्ञान का मेरे लिए कोई महत्व तो नहीं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षक, आज का जो शिक्षक है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका यही होनी चाहिए कि वो क्रम से निरंतर जो भी छात्र है, छात्र जीवन के अंधकार को अपने ऊपर ले ले और उसके जीवन में प्रकाश भर दे, है ना। आम तौर पे ऐसे शिक्षकों की कमी है, शिक्षा एक व्यावसायिक रूप धारण कर चुकी है, बिजनेस चल रहा है बड़े स्तर पर, छात्रों का शोषण हो रहा है बड़े स्तर पर, छात्र आ रहा है भटक कर ज़िंदगी में खो जा रहा है, तभी तो भारत में इतनी बेरोज़गारी है। आज के टाइम पे BTech देख लो, BTech लोग कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं लेकिन उसका क्या परिणाम निकल रहा है, MBA लोग कर रहे हैं लेकिन उसका क्या रिजल्टेंट निकला, रिजल्टेंट 0 है ना, कुछ नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि उस जीवन में जब वो BTech की ज़िंदगी जी रहा था तब उसको कुछ नहीं मिला,
महज एक किताबें मिल गई, उस किताबों में चार छः चीज़ें पढ़ लिया लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया, वो साक्षर तो हो गया लेकिन शिक्षित नहीं बन पाया। शिक्षा और साक्षरता दोनों में फ़र्क है। जब आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास हो जाता है तो आप शिक्षित हो जाते हो। किताबी ज्ञान पढ़ लेना साक्षरता कहलाता है, समझ रहे हैं? तो आप साक्षर हो गए, आपको चार चीज़ें पता चल गई लेकिन आप शिक्षित नहीं बन पाए। तो शिक्षित बनाना है, आज के टीचर का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिक्षित बनाना है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं बनेगा तब तक उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पे मेरा प्रयास यही है कि आपके अंदर ज्ञान तो बढ़े ही, ज्ञान का स्तर तो बढ़े ही और बढ़ेगा ही। ज्ञान का स्तर तो आप खुद से भी बढ़ा सकते हो, किताबें सबसे अच्छा माध्यम होती है ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं आपके अंदर इन नैतिक मूल्यों का विकास कर दूं, आपके अंदर एक नैतिकता आ जाए, सेल्फ मोटिवेशन आ जाए, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए, आप आत्म अनुशासित होकर जीवन जिए, आपके अंदर इतना अच्छा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए कि जो आपसे एक बार मिले तो वो कहे कि हाँ सब ठीक है, समझ रहे हैं? ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है जीवन में। बाकी सब चीज़ें तो बहुत आसान हैं, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाऊँगा ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के विकास करने का सबसे बड़ा माध्यम बनने का प्रयास करूँगा, ठीक है? यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट के आधार पर मैं चलता हूँ। आज़ाद AIS अकेडमी में आप लोग आए हैं और यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है? दो रोल हैं आपके पास, बड़े बड़े सपने हैं, एक बहुत बड़े सपने हैं जिनकी उड़ान आपको भरनी है, ठीक है? उस पर तो योगदान होगा ही, वही तो, वो तो मेन उद्देश्य है, मेन गोल है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी जिस उम्र से गुजर रहे हैं ना, ये उम्र गोल्डन चांस है, बिल्कुल। इसी लाइफ में या तो बन जाओगे या तो बिगड़ जाओगे। इसी लाइफ में या तो आप आगे आने वाले 40 साल अपने संजो लोगे या तो आने वाले 40 साल खराब हो जाएंगे। ये समय का इन्वेस्टमेंट करके देखो, इस दौरान क्या है, इस समय हम बेरोज़गार होते हैं। बेरोज़गार का मतलब किसी ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने को बेरोज़गारी कहते हैं। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, यही सोचते रहते हैं, अरे मैं दूसरे से पैसा मांग रहा हूँ, अपने पिताजी से पैसा मांग रहा हूँ, अरे ये मुझे, मेरे रिश्तेदार मुझे पैसा दे रहे हैं, मुझे ये पैसे दे रहे हैं। ये सब दिमाग से हटा दो। पैसा बहुत छोटी चीज़ होती है, आज वो दे रहे हैं तो कल दुगना तिगुना चौगुना करके लौटा भी दोगे। लेकिन उस चक्कर में आज यदि अपना समय खराब कर दिया हमने, आज यदि अपना समय खराब कर दिया हमने तो वो भी कोसेंगे और आप भी ज़िंदगी भर कोसोगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, आज आपके सामने जो भी समस्या उसको एक तरफ रखिए। आज आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके 40 साल आज के समय यदि आप बहुत बेहतर करोगे तो आगे आने वाले 40 साल आपके अच्छे हो जाएंगे। अब आपको तय करना है कि 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का जो खर्च आ रहा है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपके 40 साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं? पूरी पीढ़ी आप पे आश्रित है, पूरी पीढ़ी आने वाली, जो आगे भी आने वाली पीढ़ी होगी, यदि आप जितना बेहतर रहोगे दोनों तरफ से, नॉलेज के लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और शिक्षा के लेवल पे, पूरा देश आपके ऊपर आश्रित है। एक व्यक्ति से देश मिलके बनता है, एक एक से मिलकर के 121 करोड़ बने हुए हैं। एक खराब होता है तो आकर के बहुत लोगों को बर्बाद करके चला जाता है। तो हमें अपना व्यक्तित्व का विकास करना है, पहली चीज, इस समय का सदुपयोग करना है जितना सदुपयोग कर सकते हो, और एक सही मार्गदर्शन में करना है जो मेरी जिम्मेदारी है। इस चीज़ से लेकर के आप निश्चिंत हो सकते हो कि आपको मार्गदर्शन में किसी भी तरीके का अभाव मिलेगा। मैं खड़ा हूँ, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको, मार्गदर्शन के लिए तो सोचना ही नहीं है। बस बात, मुझे डर इस बात का रहता है, भय इस बात का रहता है कि जो आपको बताया जा रहा है वो आप फॉलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कहीं आप भी तो वही आम आदमी की तरह उसी तरीके से तो नहीं लगे रहोगे कि अरे मेरा इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है। इसी पर बहुत समय जाया जाता है। हर तारीख की 15 तारीख तक तो आप खुश रहते हो, 15 के बाद आपके तनाव आना शुरू हो जाता है। क्यों? बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। जो 10-12 हज़ार रुपए आए होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके होते हैं। अब आपका टेंशन उधर चला जाता है और उधर जाने के बाद फिर 1 तारीख के बाद फिर से आप शुरू करते हो, फिर से आता है, फिर उसमें अकाउंट में ऐड हुआ, फिर खुश हो गए, ठीक है? तो मैं कहता हूँ उसको एक साइड रख दो। कोई बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं कर रहा आपको 1-2 लाख, 3 लाख दे के। पिताजी यदि दे रहे हैं तो आपका फ़र्ज कर रहे हैं, रिलेटिव दे रहे हैं तो कल काम निकालेंगे, ठीक है? तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करो जो आपको काम आएगी। ये सब चीज़ें साइड पे रखो। यदि इस परिस्थितियाँ कैसी भी बन रहे हैं उन परिस्थितियों पे जीना सीखो, ठीक है? उसमें आत्महीनता नहीं आनी चाहिए कि अरे मेरे चीज़ नहीं है, उसमें आत्मग्लानी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। उस पर ये समझिए कि इस समय मैं मजबूत बन रहा हूँ, ये स्ट्रगल आगे आने वाले समय में मुझे काम देगा, समझ रहे हैं? संसाधन नहीं होते,
बहुत बड़ी समस्या संसाधन ही होती है। इस समय सबसे बड़ा संसाधन एक ही है, वो है समय। उसकी वैल्यू समझिए। यदि आप समय को खराब करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय को बर्बाद करने में समय नहीं लगता है, समझ रहे हैं? तो अभी के समय की वैल्यू समझिए, सबसे बड़ी वैल्यू। 3 लाख 4 लाख 5 लाख में आपका समय बिकने वाला नहीं है अभी का, बहुत छोटी कीमत है उसकी। कल के दिन कुछ कर जाओगे, बन जाओगे तो आपके लिए तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए अभी महत्तम सदुपयोग करो, पागल हो जाओ, जुनून पे आ जाओ। जो चीज़ आपको यहाँ से बता दी जाए उसको करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है? और खुशी खुशी करना है। दो चीज़ें, या तो रोते रोते कर लो या तो हंसी खुशी कर लो, ठीक है? करना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना हंसी हंसी किया जाए हर चीज़ को। एक दफ़े आपको बुखार हो, जुखाम हो, तबीयत खराब हो, टेंशन हो, घर में कुछ हो गया हो, ठीक है, घर वाले कुछ कह रहे हो, एक तरफ रखो, उस डिपार्टमेंट को ही अलग रख दो। वो दूसरा डिपार्टमेंट है, वो आएगा और आके परेशान करके चला जाएगा। लेकिन दूसरा एक डिपार्टमेंट है मेरा, पढ़ाई का। उस डिपार्टमेंट में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का भी नहीं होना चाहिए। यदि मैंने तय कर रखा है अपने समय को, उस समय को मैं सदुपयोग करूँगा, काम खत्म। चिंता हो रहा है, तनाव हो रहा है, कुछ रहा हो, उसको टाइम दे दो कि 5 बजे चिंता आना, 5 बजे 5 से 6 बजे के बीच में मैं चिंता करूँगा, काम खत्म। अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम मेरा पढ़ाई करने का। हर चीज़ को बिल्कुल फिक्स करके रख लो, और व्यवस्थित करके जब रहोगे तो फिर देखो कितना बढ़िया होता है। जब चीज़ें होती रहेंगी, मैं अपना बताऊं, मैं भी बहुत हालातों से गुजरे हैं। हालात से गुजरना कुछ नहीं होता, घर पे तो बहुत सारी चीज़ें थी, सपोर्ट था, सब कुछ था, लेकिन एक आत्मसम्मान होता है, आत्मस्वाभिमान होता है। मैं घर से उतना ही पैसा मंगाता था जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती थी। यदि 4 रुपये की ज़रूरत है तो 3.5 मंगाता था, 50 पैसे का अभाव में मज़ा आता था, कभी भी अतिरिक्त नहीं मांगा। और उस दौरान जब पैसे नहीं होते थे तो कंडीशन यहाँ तक कभी कभी ये महसूस होता था कि अब क्या किया जाए, आज पेट में भोजन तक नहीं गया है। चाहते तो घर से मंगवाया जा सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन पर भी मैंने और पढ़ाई की कि चलो आज और पढ़ते हैं। कभी मैं उस समय की फ़ोटो दिखाऊंगा, अभी तो काफ़ी लीन पर्सनालिटी है मेरी, लेकिन उस दौरान की देख लेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। और उस दौरान मुखर्जी नगर में जितने भी आज के टाइम पे आप, अपना मैं बता दूं, इंडिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो मुझे नहीं जानती हो और मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। इंडिया का कोई भी बड़े से बड़े मेंटर नहीं है जहाँ पे आज कनेक्शन ना हो, संबंध ना हो, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं। बस बात है कि ईमानदारी से अपने कार्य को किया गया। ईमानदारी से यदि आप अपने कार्य को करते हैं तो सफलता मिलती है। गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटी चीज़ है, चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी में ऐसा ना आ जाए कि 4-5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये के आप दीन दुखी बन के रह जाए, ठीक है? जो दे रहा है वो कोई एहसान नहीं कर रहा, उसका कर्तव्य है, उसका फ़र्ज है। और कभी ऐसी संकट आ जाए, कभी ऐसी दिक्कत आ जाए तो मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है? कभी दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, कोई भी हेल्प चाहिए तो एक बार मुझे कॉल कर लेना, परेशान नहीं होना बस, ठीक है? यहाँ पर जो भी बाहर से आए हुए हैं, जो या फिर लोकल हैं, ठीक है, कभी भी परेशान नहीं होना, तनाव मुक्त होकर के। बस मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ो, 2 साल के अंदर जिस लक्ष्य के लिए आए हो उस लक्ष्य को प्राप्त करो और निकलो यहाँ से। लेकिन 2 साल का मिनिमम समय आपको देना पड़ेगा। सिलेबस ही 2 साल में कंप्लीट होता है, उसका रिवीजन होता है, काम खत्म। जब 2 साल में आप कर ले जाओगे, इसके बाद आपका, लड़कियों के साथ एक दिक्कत है, क्या दिक्कत होती है, एक समय बाद उनके अंदर दबाव आने लगता है, घर का, परिवार का, खुद का, कि अब शादी होनी है। लड़कों के साथ भी है कि नहीं है? घर वाले क्या कहते हैं कि अब ऐसी ही स्थिति में करवा देते हैं तेरी शादी। उसे ये लगता है कि मैं खुद पे भी बोझ हूँ और सामने वाले अलग बोझ। मैं अब एक छोटी सी, उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे एक मित्र थे, अब तो MPPCS में डिप्टी SP हो गए, लेकिन MPPCS में व्यापम घोटाला हुआ था तो उस दौरान रिजल्ट रुके पड़े थे सारे, 2012, 2013, 2014 सब लाइन से रिजल्ट रुके पड़े थे। तो उन्होंने 12 भी दिया, 13 भी दिया, 14 भी दिया, 15 भी दिया, लगातार एग्जाम दे रहे थे, लेकिन घर वालों ने 31-32 साल के बाद जब उन्हें लगा कि इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी शादी की, तो उन्होंने उसका विवाह करा दिया। अब विवाह करा दिया, अब क्या है, कितने बाई कितने का कमरा होता है, 10x12 के कमरे में खुद रह रहे हैं, मैडम रह रही, उनको किताबें पढ़नी है, मैडम को उससे लेना देना नहीं है, तो क्या होता है, तनाव बढ़ता है इन सब चीज़ों से। वैवाहिक संबंध में कलह आती है, वो भी करें घर में किससे करवा दिया। तो जब कभी फ़ोन करते थे, कभी आ जाते थे मुखर्जी नगर, यहाँ पर बैठते थे रूम पे, बोलते थे यार मुझे यहीं कहीं दिला दो, मैं परेशान आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से, घर वालों ने विवाह करा दिया,
ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी का बोझ था, किसी और की ज़िंदगी का बोझ बन गया। फिर फाइनली अभी रिजल्ट आया, अब फाइनली सिलेक्टेड हो गए वो, अब बन गए डिप्टी एसपी। मैंने कहा अब क्या हाल चाल है, बोले कि अब होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको भी सेटल होना है, ये मत सोचो कि ये है वो है। भाई देखो एक चीज़ तो है, शादी तो करना है, ये तो होना ही है। यानी एक बाह्य अवरोध घर पे आना है आपकी ज़िंदगी में, वो बाह्य अवरोध कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बाह्य अवरोध से पहले पहले कम से कम ये हो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के भरोसे ना रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, किसी से इम्पिडे, घर वालों से ना पैसा मांगने पड़े कि ये खर्चा है, घर वाले कहेंगे किसके लिए, बोलेंगे मैडम के लिए, तब तो और बुरी हालत, बोलेंगे अभी तक तो खुद ही मांग रहा था, फिर और दबाव होगा, फिर ये कहेंगे कि जा वहाँ किसी फैक्ट्री में काम कर लियो, समझ रहे हैं। तो हमारे ऊपर भी दबाव है और लड़कियों के ऊपर दबाव है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि 1.5-2 साल अच्छी तैयारी करिए, इसके बाद विवाह हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लीजिए, इसके बाद एग्ज़ाम ही देना जाना पड़े, बस एग्ज़ाम हॉल पे जाना है, एग्ज़ाम देके आना है, रिवीजन करते रहना है, ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है, ठीक है। इसको एक बहुत बड़ा धर्म संकट मत बना लो, बहुत युद्ध मत बना लो, ये बहुत छोटी चीज़ है, एग्ज़ाम निकालना बहुत छोटी चीज़ है। इसका एक सिलेबस है, पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीट करना है, 2 से 3 बार रिवीजन करना है ईमानदारी से, काम खत्म, सिलेक्शन हो जाएगा। आपने क्या किसे हवा बना के रख दिया है, हवा बनाएंगे तो हवा बन जाएगा, इसको जितना आसान समझेंगे उतना आसान है। पढ़ने से आसान चीज़ क्या है इस धरती में बताओ, एक तो बैठ के पढ़ना होता है ना, लेट के भी पढ़ लेते हो आप लोग, जब मन होता है तब सो भी लेते हो, घर वाले मोरल सपोर्ट भी करते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, तो इससे आसान काम है क्या, तो इसको किस बात के लिए कठिन बनाना, बताइए जुबैर जी, आसान है कि नहीं है, पढ़ाई से आसान कोई काम हो तो बताओ। इसके अलावा आप देखो, आपको कठिनाई की बात हो, कभी किसी लेबर को देखिएगा जो सुबह से शाम तक एक खंड से जाकर तीसरे खंड चौथे खंड पे ईंटें चढ़ाता हो, उसका काम आसान है कि आपका आसान है। किसी भी जॉब को देख लीजिए, सब कठिन है, सिर्फ और सिर्फ आसान यदि कोई इस धरती में सबसे आसान काम पढ़ना है, वो भी आप कठिन बनाए बैठे हो, तो पढ़ो, क्या दिक्कत है, चलते फिरते उठते सोते जागते, सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए, मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और बस उसके लिए सतत आपको प्रगतिशीलता के साथ लगे रहना है, पढ़ना है बस, एक ही धुन सवार हो जाए मेरे दिमाग में। मुझे नहीं आओ कि अभी ओप्पो 9 आया है, वीवो का ये सेट आ गया है, मुझे वो खरीद के लाना है, मुझे जाना है उस रिलायंस ट्रेंड में जाना है, आज ये ड्रेस खरीद के लानी, ये दिमाग से हट जाए, आज ये मूवी आई हुई है, ये फर्जी की चीज़ें दिमाग से यदि आपके हट जाएँ तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ आप आराम से सक्सेस हो जाओगे। अभी क्या है, फोकस बटा हुआ है 50 चीज़ों में, अरे ये मोबाइल आ गया, वो आ गया, चलो ये मूवी देखाते हैं, अरे आज थक गए आज सो लेते हैं, है ना, थकान खत्म हो जाए। अब जिंदगी का एक गोल है 1.5 साल इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद रिजल्ट लेना है, काम खत्म। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है, 1.5 साल यदि व्हाट्सअप फेसबुक इन सब के दुष्चक्रों से पच गए तो आप जिंदगी भर चलाओगे और नहीं जिंदगी भर तरस जाओगे चलाने को। एक लेबर को देखो किसी को व्हाट्सअप चलाते हुए, वो दिन भर मेहनत करता है, इसके बाद क्या करता है, शाम को जाके सो जाता है, फिर कहाँ टाइम मिला उसे व्हाट्सअप चलाने का। तो उस कंडीशन में ना पहुँचे, ऐसे दिन ना आए, ऐसा दिन ना आए कि आपको किसी के सामने असहाय बन के खड़ा होना पड़े, ऐसा दिन ना आए कि पिताजी फ़ोन लगाएं कि बेटा रिजल्ट आया है तुम्हारा क्या हुआ, शुक्ला जी के लड़के का हो गया, तो फिर उस दौरान आप ये ना कहो कि शुक्ला जी का लड़का 3 साल पहले मुझसे तैयारी कर रहा था, आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, आपका होगा नहीं होगा कुछ भी है, आप खुद अवरोध बने खड़े हुए हो, घर वाले खूब सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने अवरोधक खुद ही हो। तो अपने अवरोधों को तोड़ना है, अपने आप को आगे तक लेके जाना है, उसके लिए बस यही है कि निरंतर गति से देखो, इस एग्ज़ाम में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पे यदि सक्सेस होना है तो उसका एक ही तरीका है, एक ही तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो, एक ही मंत्र है, निरंतरता। जो पर्सन रेगुलर रहेगा वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, गारंटेड सिलेक्शन है, गारंटेड लिखा हुआ सिलेक्शन है। टाइम लग सकता है, कभी कभी दुर्भाग्य भी हो जाता है, मैं भाग्यवादी नज़रिए से तो नहीं जुड़ाव रखता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि लक हो जाता है, जिस दिन एग्जाम में पता चला उसी दिन कोई घटना घट गई, समझ रहे हैं, उसी दिन में एक मच्छर आया रात में काट के चला गया, आ गया 104 डिग्री टेम्परेचर, डेंगू की स्थिति में जाके वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हो, होता है बहुत बुरी स्थिति आ जाती है, पता चला घर पर कोई अप्रिय घटना हो गई, इमोशनली आप जुड़े हुए हो ना घर से, घर में कुछ भी घटित होगा आपके जीवन में दिखाई देगा वो, समझ रहे हैं। तो इमोशनल मैनेजमेंट होना चाहिए आपके अंदर, अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में जब प्रशासक बन जाओगे ऐसे तो घर परिवार सब एक साइड रखना होता है, नहीं घर परिवार के चक्कर में देश का लोटिया डुबा देते हैं लोग,
समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे हर चीज़ को आपको टैकल करना है। अभी जो भी परिस्थितियां चल रही हैं सारी चीज़ें पोस्टपोन करो, पड़ोसी के लड़के की शादी हो रही है, चाचा के लड़के की शादी हो रही है, सबको एक तरफ रखो, अपने जीवन को एक तरफ रखो, अपने लक्ष्य अलग है। हो सकता है पड़ोसी का लड़का किसी 2,000, 4,000, 5,000 की जॉब में लग भी जाए, पान की गुमटी भी खोल ले, उसको भी लेकर टेंशन नहीं होना। समझ रहे हैं, वो कुछ भी करे, उसकी लाइफ है, उसकी हाइट है, कोई 20 लाख का पैकेज भी पा जाए उसकी लाइफ है, मेरी लाइफ अलग है। मुझे पब्लिक सर्विसेज में जाना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। आज वो यदि 20 लाख पा रहा है, 25 लाख पा रहा है, तो यदि मैं 2 साल बाद हो जाऊँगा तो उससे 10 गुना आगे चला जाऊँगा, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए अपने आप में फोकस हो, दुनिया भर के जितने डिस्ट्रैक्शन उन्हें साइड में रखो, अभी तक हुआ नहीं हुआ क्या हुआ उसे एक तरफ रख के एक सही वे पे तैयारी करना शुरू करो। समझ रहे हो मेरी बात को, तभी आपको कुछ नहीं 1.5 साल बाद आप खुद देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। बस मेहनत करनी है, मेहनत से जी नहीं तुराना है, मेहनत एक सही डायरेक्शन में, मेहनत एक सही डायरेक्शन में, यदि आप ये कर ले जाएंगे तो गारंटेड सक्सेस है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको सफलता ना मिले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी कहोगे कि क्या करें क्या ना करें, अभी जैसे क्लासेस चल रही, मान लो आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, क्लासेस चल रही है, आपको क्लास करनी है, मैं इतना कह रहा हूँ, कोई टॉपिक हम छोड़ के नहीं चल रहे हैं, हर चीज़ को बहुत डिटेल से ले रहे हैं। हो सकता है आपने वो चीज़ें अभी तक पढ़ी भी ना हो, पढ़ी भी हो जानते हो लेकिन उसका डीप और टेक्निकल नॉलेज नहीं जानते हो। दूसरा जो आपको टारगेट दिया, जैसे मैंने टारगेट दिया था कि आपको इंडियन इकोनॉमी का NCERT पढ़ के आना है, किसी को तो अभी तक मिली भी नहीं होगी, खरीद नहीं पाया होगा, ये गारंटेड है, मुझे पता है। क्यों? डेडिकेशन और उसका अभाव। आज के टाइम पर क्या नहीं मिलता है, किसको किसको नहीं मिला, हाँ अभी तक ढूंढ नहीं पाए, हाँ वो पढ़ रहे हैं, हाँ तो काम हो रहा है, फिर काम खत्म, फिर क्या है। और वो कोई दूसरी चीज़ लिखी हुई है क्या, कि दूसरी भाषा लिखी हुई, अच्छा उससे पढ़ा नहीं जाता, आँखों की दिक्कत होती है, तो उसका प्रिंट आउट निकालना में क्या कितना टाइम लगेगा। देखो अपने नोट्स बना लो, अपने नोट्स किसी को दिया नहीं जाता, पहली बात ये, उस नोट्स में खूब टिक मार्क किया जाता है, उस पर लिखा जाता है अलग की चीज़ें, कोई करंट का मुद्दा आ जाता है कभी मेरी, मैं साझा ही करूँगा, एक दो बुक दिखाऊँगा, उसमें देखिएगा उन किताबों के क्या हाल है, आज भी रखे हुए कोई लेता है, किसी को नहीं दिया जाता वो किताबें, क्यों दें, उसमें मेरी मेहनत है, 5 साल, 6 साल, 7 साल की मेहनत है लगातार। अपनी किताब को कभी भी शेयर नहीं करते, इसलिए हमेशा हार्ड कॉपी लो, कोशिश करो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी तो संकट का, समय व्यर्थ ना हो इसलिए सॉफ्ट कॉपी एक तरीका अल्टरनेटिव है, लेकिन जैसे ही हार्ड कॉपी आ जाती है उस पर काम किया जाता है। समझ रहे हैं, तो NCERT खत्म होते ही दूसरा काम दिया जाएगा आपको, क्लास कैसी का रिवीजन करते जाना है। अब आप सोचोगे कि अरे नहीं मैं रमेश सिंह भी खरीद लूँ साइड से, अरे रमेश सिंह में कोई नई बात लिखी हुई है क्या, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उतना इनफ है, ये बताइए। मैं कोई क्या मौद्रिक नीति कुछ आदक बदलेगी, फेडरल रिजर्व भारत की मौद्रिक नीति जारी करता है, ये लिखवा के चला जाऊंगा क्या, वहाँ भी यही लिखा हुआ है, फिर क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या मैं अलग टूल्स लिखवा के पढ़ा के चला जाऊंगा। इतिहास मैंने पढ़ाई, इतिहास में कितना डिटेल से पढ़ा दिया, कोई किताब ढूंढ लो मिल जाए इतना तो बता देना। पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आप 15 किताबों को जब मर्ज करोगे तब कहीं जाके मेरा एक नोट्स बनेगा। समझ रहे हैं, तो जिम्मेदारी है, सही डायरेक्शन की बात मैं यदि कह रहा हूँ तो सही डायरेक्शन आपको मिलेगा, उसमें किसी तरीके का आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये आपके जीवन का सवाल है, और जीवन का सवाल है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक सही मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ रहना है। मुझे भी पता है कि बहुत बड़ी, इस बार 150 बच्चों ने IAS का एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन बैच में, जिनमें से सिर्फ 24 बच्चों ने PT क्वालिफाई किया, बाकी उन्हें बात नहीं मानी होगी, बाकियों को मैंने मना भी किया कि तैयारी नहीं है इस बार मत देने जाना, बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसे ही मजाक बना लिया ना हर चीज़ को, एग्ज़ाम भी एक मजाक बन गया है कि चलो ट्राई कर लेते हैं देख लेते हैं, अरे नहीं इसी बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इसी बार सब कुछ है, अरे बिना तैयारी करके जाओगे युद्ध भी बिना कर किसी अस्त्र शस्त्र के जाओगे तो पीट के तो आओगे ही, अपने हाथ में कुछ नहीं है, सामने वाले के पास बिल्कुल AK-47 है तो दूरी से मार देगा। तो UPSC में जा रहे हो तो सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाओ ना, मेरे पास हिस्ट्री भी मेरी मजबूत हो, पॉलिटी भी मजबूत, अस्त्र शस्त्र क्या है, हमारा नॉलेज अपना ज्ञान, आज तक तो आप छुए नहीं, अब चले गए वहाँ पे आ गया कुछ और, क्या क्या आया था इस बार, स्थानकवादी किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, अब स्थानकवादी कभी पढ़ा नहीं, कभी जद्दोजहद की ही नहीं, छोड़ दो तो, नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है,
फिर पता चला माइनस मार्किंग घटा पिटा के 54 नंबर बन रहे हैं, फिर दिमाग लगा रहे हैं कि कोई बोल दे कि कट ऑफ 54 ही जाएगी तो इस बार मेंस लिखने का मौका मिल जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, ये सब चीज़ें अपने आप को धोखा देने जैसी हैं। ट्राई करने के लिए कभी एग्ज़ाम नहीं दिया जाता, जो सिलेक्टेड और परफेक्ट पर्सन होता है कभी ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम नहीं देता। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि जब आपको बोला जाए, जब आपको महसूस हो जाए, जब आप प्री से पहले मेंस के लिए तैयार हो जाएं, तब एग्ज़ाम देने जाइए, अन्यथा की परिस्थिति में कृपया करके एग्ज़ाम मत दीजिए। एक साल और सही, यदि एक साल आपने छोड़ा नहीं तो आने वाले 5 साल आपके ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप UPSC या UPPCS के दुष्चक्र में फंस चुके होंगे। गोल गोल उस ज़िंदगी में भटकते रहेंगे। लोगों को 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट कब निकल जाता है, कम उम्र ढह जाती है, उन्हें टाइम नहीं, समय नहीं लगता। अरे मैं कहता हूँ नहीं 2018 में होगा, 2019 में होगा, नहीं 2020 में होगा, लेकिन होगा तो सही, ये तो श्योरिटी है कि हो जाएगा मेरा 2020 में। लेकिन ये क्या है, गलती क्या करते हो, घर वालों को बता देते हो कि इसी साल देना है। अब उनको अता पता है नहीं ABCD कुछ भी, घर वालों को क्या पता है बताओ, क्या जानते हो सिविल सर्विसेज के बारे में। उन्होंने सुन लिया कि शुक्ला जी के लड़का भी तैयारी कर रहा है, बस उनको इतना पता है और बाकी चीज़ें नहीं पता। तो उन्हें ये नहीं पता कि कब एग्ज़ाम देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, इसलिए घर वालों को बताई हुई नहीं, बताओ कि मुझे इतने साल बाद देना है। देखो कुछ नहीं हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, और अभी तक पहाड़ टूटा क्या बताओ, बहुत पहले से आपको ये लग रहा था क्यों जुबैर जी बताइए। 3 साल पहले से आपको लग रहा होगा कि इसी साल दे लेता हूँ, इसी साल सेलेक्ट हो जाता हूँ, इसी साल कुछ कर लेता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता, वो समय व्यतीत हो रहा है और कुछ नहीं। इसलिए एक सही स्ट्रेटजी बनानी है, परफेक्ट फार्मूले पे कार्य करना है, वो फार्मूला सेट करेंगे और उसी फार्मूले पे काम करेंगे, तभी काम होने वाला है आपका। तभी एग्ज़ाम देने जाएंगे जब प्री से पहले मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट में हूँ कि मैं मेंस लिख सकता हूँ। अभी कोई मेंस का एग्ज़ाम ले ले, PT मुझसे बाद में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं जाऊँगा एग्ज़ाम हॉल पे और कॉन्फिडेंस के साथ प्रीलिम्स दे के आऊँगा, कॉन्फिडेंस के साथ मेंस दूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दूंगा। आप क्या कर रहे हो, मेंस का आता पता ही नहीं है, पूछो ऑप्शनल क्या है पता नहीं, पूछो इथिक्स का तैयारी है बोले पता नहीं, पूछो IR पता है क्या होती है पता नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी का आता पता है नहीं पता, साइंस एंड टेक के बारे में जानते हो नहीं पता, डिजास्टर मैनेजमेंट जानते हो नहीं पता, विश्व भूगोल पढ़ी है नहीं पता, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन पढ़ा है नहीं पता। क्या पढ़ा है, भूगोल में लोग मानचित्र पढ़ लेते हैं बस कि इंडिया में यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे नीचे पठार है, यहाँ पे ये, इसी से उनको लगता है कि भूगोल के महारथी बन गए। उन्हें नहीं पता पैलियोमैग्निज्म क्या होता है, यदि पूछ लिया जाए तो एल नीनो की घटना कैसे होती नहीं पता, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आपको समग्र ज्ञान लेना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है, और तब जाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल पे और फिर जाइए, फिर दीजिए एग्ज़ाम, फिर देखिए कैसे होता है, चमत्कार होगा, चुटकियों में एग्ज़ाम निकलेगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपको क्या हुआ, आते ही किसी ने कह दिया फॉर्म डाल दो, 100 रुपये का फॉर्म होता है, फॉर्म डालने से भी स्टेटस बढ़ता है, PT क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा और बढ़ जाता है, मेंस के बाद तो चमत्कृत हो जाता है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में तो होता ही होता है। लेकिन ये सब चक्रों में नहीं पड़ना, अपने आप को तौलिए, आंकिए। मैं आपको सिर्फ एक ही गुण दे रहा हूँ, एक तो निरंतर रहिए, जो भी चीज़ें हैं रेगुलर रहिए, रेगुलर रहने के साथ साथ आपको तभी एग्ज़ाम देना है जब आप मेंस के लिए तैयार हो। कोई भी गलती मत कीजिए, कोई जद्दोजहद मत कीजिए, पर डे लिखने का प्रयास कीजिए, 1-2 क्वेश्चन खुद से लिखे, खुद से बनाइए। आज आपने कुछ भी सुना, देखो राज्यसभा TV का विशेष प्रोग्राम है, है ना, या फिर काम यहाँ पे किया जा रहा है शायद करंट अफेयर्स के नाम पे, रविंद्र सर काम कर रहे हैं उस पर, आपको यही सब सोर्स दिए जाते हैं, राज्यसभा TV का दे दिया गया, और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं जहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, वहाँ से आपको देखे करंट, उस पर आंसर राइटिंग कीजिए, समझ रहे हैं। तो एक सही डायरेक्शन और सही वे पे तैयारी करना, यही सबसे बेस्ट तरीका है और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। देखो पढ़ा सब देंगे, डिटेल से पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि आप छक जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ा देंगे कि आप छक जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ा देंगे कि जो एग्ज़ाम के लिए सबसे उपयुक्त है, इतना लिखवा दिया जाएगा। लेकिन अब आपका काम है कि आप उन सबको संजो के रखें, आप निरंतर रहें, आप कभी भी तनाव, देखो तनाव आएगा, इस एग्ज़ाम की प्रवृत्ति है, जब तनाव आए तो समझ लीजिएगा UPSC की तैयारी कर रहे हैं, नहीं आ रहा उनके साथ दिक्कत है, यदि कोई टेंशन में ना हो तो इसका मतलब उसके साथ दिक्कत है, कुछ वो महात्मा बुद्ध वाली स्थिति तक पहुंच गया है, ठीक है। हम आम आदमी हैं, हमें दिक्कत होगी, हमें दुख है, और दुख डेली आके कुछ कभी लगेगा करें कि ना करें, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डेली होने वाला है आपके साथ। तो यदि हो रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब तैयारी कर रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो, समझ रहे हैं।
तनाव आएगा, थकान आएगी, सब कुछ आएगा, डिमोटिवेशन आएगा, पड़ोसी को देख के ये सब लगेगा, ह्यूमन नेचर है, ये तो होगा ही होगा, मानव का स्वभाव है और मानवीय स्वभाव से हम परे थोड़ो ना है, हम भी मानव हैं, चूंकि तो मानव है तो मानव जैसा गुण है हमारा, समझ रहे हैं। तो बहुत इसको क्रिटिकल नहीं बनाना, बहुत इजी है सारी चीज़ें, इजीली आपको चलते जाना है, जैसे जैसे हम आपको गाइड करें उसी हिसाब से आप चलेंगे, मैं गारंटेड बोलता हूँ बहुत कम समय में आप बहुत दूर पहुँच जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में बहुत समय लग जाएगा और आप वहीं पर खड़े होंगे जहाँ से आपने शुरुआत की होगी, ठीक है। तो बस आज शिक्षा दिवस में मैं आपको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो सफ़र है जो मेरे साथ चालू हुआ है ये बहुत ही सुहाना हो, आप निरंतरता के साथ प्रगतिशील रहें, 2019 से यदि हमने टारगेट सुना है तो 2019 तक आप ऊर्जावान बने रहें और इस पे लगातार वृद्धि होती रहे आपकी ऊर्जा में, कर्म आपका जे कर्म में जाए और निरंतरता के साथ आप लगे रहेंगे तो मैं गारंटेड बोलता हूँ कि 19 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, एक ही वैकेंसी चाहिए, भूल जाइए, कभी 50 वैकेंसी भी आती तो भी खुश रहना है, क्यों, क्योंकि एक ही सीट चाहिए अपने को, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना मादा होना चाहिए, इतनी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अपने विषय वस्तु पर आगे बढ़ते हैं।